बिल्ली भी आ पीछे जाओ। करो भाई, मेरे पीछे करो भाई। चलो चलो चलो, ओल्ड में सुना दो भाई, डॉगी लोग। हाँ थर्डे लाओ, थर्डे लाओ, थर्डे लाओ, थर्डे भी मजा आएगा। जितने लोग भी प्लेन में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हे गाइस, क्या हालचाल, आई होप सारे सारे अच्छे होंगे। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें तबाही हमें तरह दबा के होने वाली है यार। और प्लेन में मारा मारी तुमने सुन ली होगी, मतलब बड़ी शांति थी प्लेन में, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये केपीएस उंगली करे बिना शांति मिलती नहीं है, तो पंगे ले लिए हैं, तो बंदे आ जाते हैं, तो फिर बंदों को बजाते हैं, फिर बगाजी दोबारा ऑन करते हैं। मैं चला परियों के शहर में, तो भाई साहब उतरते ही सबसे पहले फनेक्स का बढ़िया स्वागत कर देते हैं। फनेक्स की हेल्थ तुमको दिख रही होगी, और इस फायरिंग का जवाब देने के लिए जवाबी हमले के रूप में हम भी थोड़ा बहुत प्रीफायर कर देते हैं। उसके बाद मुझे एक वेस्ट की तलाश थी और वो मिल भी जाता है आगे जाकर। तो हेलमेट मिल गया, वेस्ट मिल गया, एक गन मिल गई, एमओ मिल गई, अब बंदे को बजाते हैं। तो यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बस उस क्वेश्चन की फोटो को क्लिक करो और क्वेश्चन को क्रॉप करो, और फिर 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने है। फिर आपका क्वेश्चन चाहे होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर स्टेट का, या फिर आईआईटी, नीट या 6वीं से लेकर 12वीं तक का कोई भी सवाल, इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। साथ में डाउटनट ऐप पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी कि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जल्दी जाने का डाउटनट ऐप में पढ़ाई करने का, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करने का और पढ़ाई करने का यार। और लगता है भाई साहब ने बॉन्ड बीटर 2-3 डिब्बे एक साथ ही खा लिए थे। उसके बाद भैया जी को बजा दिया ही गया था, तो भैया जी को गुस्सा आएगा, तो भैया जी गुस्से की भड़ास निकालेंगे, और उन्होंने जो बोला उसका जवाब उनको मिल चुका है। उसके बाद हमको लगता है कि इनकी स्क्वाड के बाकी बंदे भी आएंगे, क्योंकि अभी ये बस नॉक हुए थे। लेकिन बंदे तो नहीं मिलते हैं, पर सज्जन पुरुष मिल जाते हैं। उसके बाद थर्डिल में कोई नहीं होता, इनकी स्क्वाड पता नहीं कहां ही भाग जाती है। तो उसके बाद हमें भी ढूंढने का कोई शौक था नहीं, तो गाड़ी उठाते हैं और बंदों को बजाने के लिए निकल लेते हैं। तो जब गाड़ी उठा लिया तो फैमिली में आने वाली रस्म को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल में ना सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। उसके बाद बंदों की तलाश में हम स्टेडियम आते हैं, क्योंकि भाई स्टेडियम में एक ना एक स्क्वाड मिल जाती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता है। तो हम पायलट प्लाजा की ओर निकल लेते हैं। लेकिन तभी एक खतरनाक स्प्रे आता है, जो कि तुमने देख ही लिया, बंदा कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो रखा था। तो फटाक से गाड़ी मोड़ी, अब देखते हैं भाई साहब के अंदर कितना ज्यादा क्रोस है। और भाई साहब की बात करें तो भाई साहब को अपने नाम के आगे VR1 की जगह Formula 1 कर लेना चाहिए, क्योंकि भैया फुर्ती तो उसी तरह की थी। मतलब सामने आते ही दे जिगल पे जिगल, रुक लो जरा, सबर कर लो, उसके बाद नेट देख रहे हो भाई, खतरनाक नेट मारे थे, मतलब फुर्ती के साथ करोड़ IQ। तो भाई साहब का जोश तो अपने को बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन उससे ज्यादा अपने को उजी पसंद आई। तो फटाक से अपन ने उनके डिब्बे से उजी उठाई, और विलेज में खतरनाक तबाही हो रही थी। तो फटाक से गाड़ी उठाई, अब ब्रश करते हैं। तो जब जोश जोश में यहाँ पधार जाते हैं, तब समझ में आता है कि भैया बहुत ज्यादा गलत जगह आ गए हैं, अब पिटाई होगी या तो पिटाई की जाएगी। तो अभी तक तो पिटाई हो भी गई थी और पिटाई की भी गई थी, अब आगे देखते हैं क्या होता है। Watch out.
तेरे मजबूत कंधों पे हमें भरोसा है। अच्छा हुआ इनके चौथे ने स्टॉल के नहीं रखी थी, नहीं तो अभी धाएं धाएं हो ही जाता। उसके बाद हमारे दोनों टीम में घुटनों में आ गए थे और केपीएस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। मतलब गलती से भी तुमने हिल डुल कर दिया ना तो केपीएस गया, तो बिना हिले डुले फालतू की बकैती के सबसे पहले रिवाइव देते हैं जो की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुमको लग रहा है कि अभी स्क्वाड खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पास हो रहे थे दंगे और दंगों में कभी एक स्क्वाड तो होती नहीं है, तो यहाँ पास हम एक स्क्वाड को बजा देते हैं उसके बाद फिर दूसरी स्क्वाड आ जाती है। और मैं बताता हूँ ना, ये बंदा बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर ये फैक्ट्री से बेस्ट चलाता ना तो मैं नॉक हो जाता, क्योंकि भाई ये है पबजी मोबाइल लाइट, एक नंबर का बढ़िया गेम, कोई कमी नहीं है इसमें ना। अगर कमी निकाली तो फिर तुम यूट्यूब में रह नहीं सकते ना। ओवरऑल वाइप आउट हो गया इनकी स्क्वाड। उसके बाद इनकी बातें सुन रहे हो, इन दोनों का कहना है कि भैया यहाँ पर सब खत्म हो चुका है, कोई नहीं बचा है, लेकिन मुझे पता है कि भैया कोई ना कोई है। मेरे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि दया कुछ तो गड़बड़ है और हम चेक करने जाते हैं। और फिर स्टोल्बके से बढ़िया से बजाए जाते हैं और बंदा मुझे खाने के लिए इतना ज्यादा डिस्परेट था कि भैया उसने किसी को ध्यान ही नहीं दिया, स्टोल्बके की आठ बुलेट मेरे अंदर खाली कर दी। तो उसके बाद दूसरे गेम प्ले में आते हैं जहां पास खतरनाक हॉट ड्रॉप होता है, दो स्क्वाड फैक्ट्री में आती है, एक स्क्वाड नीचे आती है और बाकी कहां आती है पता नहीं चलता यार, क्योंकि भाई अपन काली शक्ति यूज नहीं कर रहे हैं, तो जितने लोग पहले फैक्ट्री आए उनको बजा लेते हैं फिर बकैती ऑन करते हैं। पक्का वैसे भौकाल तो हमारा भी कम नहीं है, कट्टे से ही बंदे को बजा दिया। केशव भैया कह रहे होंगे मैं गंजेड़ी हूँ जो शॉटगन लेके घूम रहा था। उसके बाद हमारे नर के गुरुदेव स्टोल के पास आते हैं और उतरते ही धाएं धाएं धाएं, और हमारे फनेक्स भैया को ले जाने की फुल प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हमारे पास भी शॉट गन है, माना कि सस्ती वाली है, तो हम भी फिर धुचुक धुचुक करते हैं और भाई साहब खुद नर्क में चले जाते हैं। उसके बाद फटाक से फनेक्स तो जीवन दान दिया, लेकिन तभी इनके दूसरे टीममेट आ जाते हैं जिनके पास फिर स्टॉल के हैं, तो फिर आगे देखो क्या होता है। तो सलगे वाले भैया को तो हम बजा देते हैं लेकिन केपीएस को नहीं बचा पाते, कोई बंदा दूर से M762 को खतरनाक स्प्रे करता है और केपीएस भैया फिनिश, पूरा ही खा लिया गया है। उसके बाद वो बंदा सामने टीपी प्लेयर आता है इसलिए हम बिल्कुल नहीं गए क्योंकि भैया हमको पिटने का कोई मन है ही नहीं, तो काफी देर तक टीपी भी वाला गेम चलता है, लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं कि यार करना क्या है, तो हम आराम से कवर कवर में लूटने लगते हैं और भाई साहब बाहर निकल जाते हैं और हमारी लूट भी कंप्लीट हो गई थी, तो हमने सोचा कि वो चले गए होंगे तो हम भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन भाई साहब तो हमारा इंतजार कर रहे थे और फनेक्स भाई साहब का इंतजार खत्म कर देता है और इस प्रकार फैक्ट्री की सफाई हो जाती है। और तुम लोग बोलोगे यार सिर्फ इतने ही बंदे आए थे, स्क्वाड आई तो बहुत सारी थी लेकिन चली भी गई थी क्योंकि भैया हॉट ड्रॉप देख के सबकी हवा निकलती है और हमें भी यहाँ पास फाइट लेने में काफी टाइम लग जाता है, इसीलिए भैया कोई बचता ही नहीं है, तो हम फटाक से गाड़ी उठाते हैं और सीधे निकलते हैं अपार्टमेंट क्योंकि भैया वहां पर चली थी फ्लेयर गन और फ्लेयर गन से आई थी BRDM और एक कछुआ साहब का आक्रोश कितना ही तेज भागेगी, तो पीछा करते हैं और बजाते हैं। तो भाई साहब स्टॉल भी किया और टीपीपी
इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, लेकिन ये भैया जी बाहर निकलने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा देते हैं। अगर थोड़ा सा और पहले निकल के धाएं धाएं कर दिए होते तो अभी हम घुटनों में होते, लेकिन अच्छा हुआ नहीं निकले, नहीं तो हम घुटनों में ना होते अभी तक फिनिश हो गए होते, क्योंकि हमने भी इनके दो नॉक कर दिए थे ना। उसके बाद इनको फटाक से फिनिश करते हैं और यहाँ से निकलने की प्लानिंग बना ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हमको सामने स्मोक दिखाई देता है और हमको हल्का सा डाउट हुआ था कि यहाँ पास कोई नागिन विश्राम कर रही होगी या फिर एक स्क्वाड हो सकती है, इसीलिए हम थोड़ा सावधान हो जाते हैं। हाँ थोड़ा सा, ज्यादा सावधान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे पता नहीं कैसे आरडी टाइगर को स्पॉट किया और ये जहरीला धुआं, भाई स्वाद आ गया मैच का, पूरा स्वाद एक ही बार में आ गया। एक सेकंड, सच बताओ तुम्हें ऐसा ही लग रहा था कि केपीएस यहाँ पास कुछ ज्यादा ही फूंका था? मतलब बंदे को मरता देखकर ही उसने खाना खा लिया, स्वाद ले लिया और स्वादिष्ट भी था खाना। केपीएस के शौक कुछ ज्यादा ही गड़बड़ चल रहा है इस समय। इसके घर में कॉल करके बताना पड़ेगा कि भैया इसका इलाज कराओ, गेम में ही खाना खा रहा है, घर में पता नहीं क्या खा रहा होगा, शायद मम्मी की चप्पल। कोई नहीं, केपीएस के शौक है, इट्स आवर चॉइस। हाँ बाहर और हिज में ही कंफ्यूजन कर लेना। उसके बाद फटाक से गाड़ी उठाते हैं, सीधे थर्ड हिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फायरिंग की आवाज आ रही थी। किसी ने सही कहा, किल की भूख आदमी को अंधा बना देती है, और यहाँ पास तो हम अंधे बहरे और पता नहीं क्या क्या हो गए थे, लेकिन फाइनली एक किल तो मिल ही जाता है और बच भी जाते हैं। उसके बाद यही भाई साहब थे जो यहाँ पास तूफानी कर रहे थे, स्टोल्बिके लेके धाएं 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 धाएं, इसके सिवा इनसे और कोई काम ना आए। चलो कोई बात नहीं है, इनको लॉबी भेज दिया, उसके बाद दोबारा गेम लगाएंगे और फिर से अपना काम चालू करेंगे और फिर हम भी अपना इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, फटाक से लूटते हैं और फिर गाड़ी उठा के यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पास होशियारी के चक्कर में भी बजा दिए जाते। So nice. हाँ। आप मर जाने चाहिए था, जिंदा कैसे हो? उसके बाद तुमने एक चीज नोटिस की, यहाँ पास ये दोनों अलग अलग बंदे थे। अब या तो ये दोनों टीम अप कर रहे थे या तो फिर ये दोनों कैंपिंग कर रहे थे। कोई बात नहीं है, बजा दिए ही गए हैं, अब सीआईडी को कॉल करने कोई फायदा है नहीं। तो उसके बाद दो बंदे ही बचते हैं और जोन पूरा ओपन में था, मतलब आसपास कहीं नागिन बने होंगे। तो चलो फिर देखते हैं कहां पास विटामिन डी लिया जा रहा है। और ये भाई साहब भी अकेले होते हैं, मतलब चल क्या रहा है, हम लोग डुओ से स्क्वाड खेल रहे हैं फिर डुओ से सोलो खेल रहे हैं। उसके बाद एक बंदा बचता है तो उसको भी ढूंढने लगते हैं। और बदकिस्मती से लास्ट किल हमको नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं है, मिल गया चिकन डिनर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना था, टिको घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।